नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है और मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का चेयरमैन हूँ। और हम लोग आज बड़ी ही संख्या में यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे देश के काम करने वाले एक ज़बरदस्त इंसान जिनका नाम श्री अरविंद केजरीवाल जी है और वो काम करना जानते हैं। तो माइनॉरिटीज़ के मेन मुद्दे कौन से हैं जो हम? माइनॉरिटीज़ के जो मेन मुद्दे हैं वो कब्रिस्तान के मुद्दे हैं जो आज भी कहीं ना कहीं मतलब कि अधूरे हैं। माइनॉरिटीज़ के मुद्दे, आप जलंधर में ही रहते हैं? मैं जलंधर में ही रहता हूँ और जलंधर के मुद्दे जो हैं, पंजाब के मुद्दे, हम लोग हर जगह फील्ड में काम किए हुए हैं। आज जो बहुत बड़ी हमारे पास समस्या है, हम अगर मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जल्दी नहीं मिलते हैं। थाना वगैरह में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे कोई भी काम माइनॉरिटीज़ के जो है बिल्कुल अधूरे हैं। अच्छा, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में, मस्जिदों में, चर्चेज में भगवंत मान जी भी आउटरीच कर रहे हैं, चन्नी जी भी कर रहे हैं, है ना? चलो, बाकी पार्टीज़ के लोग भी कर रहे हैं जी। तो कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी में अलग क्या है जो आप इसको चूज करते हो? आम आदमी पार्टी, देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा, आपके फेसबुक या आपके पेज द्वारा ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसलिए हम भगवंत मान सरकार से और अपने राष्ट्रीय चेयरमैन, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल से गुजारिश करते हैं कि हमारे मुद्दे को बाखूबी सोचा जाए और जो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, पैराशूट से जो आए और बड़ी पोस्ट पे बैठकर सिर्फ वो 5-10 आदमी को दिखाकर जो दिखा रहे वो हकीकत नहीं है। पैराशूट तो सारे ही इस बार जलंधर में कैंडिडेट पैराशूट ही हैं, आम आदमी पार्टी को। कैंडिडेट की बात नहीं, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आपने मेरे समाज के मुद्दों की बात करी है तो हमें किसी से कोई गरज नहीं। चलो, आए हैं कोई भी, उनको मुबारक हो, मगर जो ज़मीनी सतह पे काम करना जानती है ऐसे लोगों को देखा जाए, आपकी जो टीम है यहाँ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। जो यहाँ की सेल है आम आदमी पार्टी की, ज़ीरो है, क्योंकि काम करने वालों तलक। मेरा नाम हरदेवपाल बिटुआ जी, अभी फोर्थ स्ट्रीट तो रहन वाले हैं। 2013 तो अभी पार्टी का झंडा चुकया हुआ है, पर इस बार तो 4 दिन तो माहौल भग रहा है, वो पवन सिंह कुमार के हाथ जा रहा है। आप उपर फ्लोर शाहकोट तो अभी बहुत भारी बहुत मतलब जीता जित प्राप्त करा। आम आदमी पार्टी के मैंबर हो या सपोर्टर हो? अभी मैं तो वर्कर हाँ, वर्क तो सपोर्टर बने, भगवंत मान जी काम, अरविंद जी ने केजरीवाल साहब के काम तो अभी प्रभावित होकर झंडा चुकया है। झंड भी क्योंकि झंडा ही बुलंद है, अभी बहुत भारी बहुत मतलब जित प्राप्त करा। जदों तुसीं ज्वाइन कीता सी उदों तां सरकार नहीं सी? उदों सरकार नहीं सी, पर असीं दिन रात एक करके सरकार लै आंदी आ। सरकार बनन तों बाद की महसूस हो रहा है? सरकार बनन तों बाद हर वर्ग मान लो कि उपर उठ के काम कर रहा है। जिदा बिजली बिल आ गए, एस सी समाज लई माफी जां सर्टिफिकेट दिओ तां बिजली, जिहड़ा इस बार इस सरकार ने करिश्मा कीता है, किसी तों सर्टिफिकेट नहीं लिया, सारे वर्गां दी बिजली फ्री है। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਾ ਲਓ, 850 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਕਲੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਕਲੇਰ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਕਲੇਰ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 63 ਸਾਲ ਜੀ। 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਲੇ ਬੋੜੀ ਸਹੀ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ 13 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 6000 ਆਉਣਾ ਕਿ 3000 ਆਉਣਾ ਕਿ 8000 ਆਉਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 18 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਉਹ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ